स्थान तुम्हें नहीं मिलेंगे। यदि पूरे आम भ्रष्टाचार होता है तो वो जगह कही जाएगी छत्तीसगढ़ रायपुर जिसकी राजधानी रेत 31,000 रुपया का प्राकृतिक संसाधन है, किसी के बाप का माल नहीं है। इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने अपनी जेब भरने के लिए उसको अपने बाप का माल समझ लिया। आपको जान के आश्चर्य होगा, ब्रिजमोहन जी से बैठ के पूछिएगा कि छत्तीसगढ़ में शराब कम बिकती है, खपत कम नहीं हुई, बिकती कम है, दुकान में समानांतर पेटी रखी जाती है और कलेक्टर वही रहेगा जो सट्टा खेलवाएगा, कलेक्टर वही रहेगा जो रेत के माफिया को संरक्षण देगा, कलेक्टर वही रहेगा जो दारू बेचवाएगा, और वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक कोड है, तस्कर कोकिन के तस्कर जुआरी जितने पकड़ा हो, फार्म हाउस में रेती की चोरी कर रहे हो, नकली खाद बेच रहे हो, बीज बेच रहे हो, आप एक शब्द बता दीजिए कि साहब मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता, कहां की देश सेवा, कहां की राष्ट्र सेवा, कौन सी विचारधारा, कौन सा काम, चोरी एकमात्र मेरा काम, मैं लूटूंगा छत्तीसगढ़ को, जिस रास्ते से पैसा मिले उस रास्ते से लूटूंगा। मित्रों, आज किसान के लिए थरना है, हमारे कृषि मंत्री तोमर जी ने उस दिन काफी व्यापक से बातचीत की, ब्रिजमोहन जी ने काफी व्यापक से बातचीत की, 90% सूर्यकांत जी यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल का नाम बता दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बिल में क्या, तीनों बिल का नाम क्या है ये बता दे, और मैं लिखा भी था, आज बोल रहा हूं कि लेजिस्लेशन बहुत अच्छा ब्रिजमोहन जी करते, सबसे वरिष्ठ विधायक है, 7 बार जीते हैं, लगातार 3 बार राजेश कुमार जी जीते, कौन सी विधेयक के कौन से बिंदुओं पर इनके मंत्रियों को आपत्ति है, मीडिया के साथ है, पूरे सुन रहे हैं, खुले बहस के लिए कब तैयार, तीनों में से कब तैयार है, कहां पर तैयार है, और यह बताना पड़ेगा उनको कि छत्तीसगढ़ में अभिमत के लिए आया था कि नहीं आया था, और छत्तीसगढ़ ने क्या अभिमत दिया उन बिलों पर जो संघीय व्यवस्था के पालन का आरोप लगाते हैं, उनको यह साबित करना चाहिए कि हम अभिमत उसमें क्या दिए हैं, पर छत्तीसगढ़ सरकार ने ये चोर माफिया तस्कर सरकार ने अपना अभिमत क्या दिया है, या किसानी के मामले उनको समझ में नहीं आए, ये एकदम स्पष्ट बात कर रहे हैं। दूसरी बात, किसानों के बारे में 2019 के अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि नहीं कहा था कि मंडी अधिनियम को देश में खुले व्यापार को हम बढ़ावा देंगे, एमएसपी को मजबूत करेंगे, एमएसपी खत्म हो रही है, उस एक्ट पर कहां लिखा है, एमएसपी प्रशासकीय आदेश से हैं रहेंगे, इस देश के आजादी के बाद सबसे विश्वसनीय नेता जिन्होंने किसानों के लिए पहली बार कुछ किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में लिखा है, हां रहेगा। और ये जब बात करते हैं स्वामीनाथन कमेटी की, ये जब बात करते हैं शांता कुमार कमेटी की, कितना देर खड़े रहे, तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट 10 साल तक यूपीए में पड़ी क्यों रही, किसानों के हितैषी थे तो उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की एकादशांशाएं यदि लागू की हो तो बताएं, शांता कुमार कमेटी की अनुशंसाएं, कल मैं मुख्यमंत्री जी का लेख पढ़ रहा था, तस्करों के नेता का, अफीम के नेता का, चोरों के नेता का, डकैतों के नेता का, माफियाओं के नेता का मैं लेख पढ़ रहा था, शांता कुमार कमेटी के, आप लोग भी कल का भास्कर पढ़ सकते हैं, शांता कुमार कमेटी के कितनी अनुशंसाओं से आप सहमत हैं, स्वामीनाथन कमेटी की कितनी अनुशंसाओं से आप सहमत हैं, कितने से असहमत हैं, केंद्रीय कानून को छोड़ दीजिए, अब
अपने लेख में और अपने बात में उसका उल्लेख करते हैं तो ये बताओ कि छत्तीसगढ़ में लागू कब तक करोगे, आवश्यक बजट की कार्यवाही कब तक करोगे। लिखने से नहीं होता, और बात होगी तो समग्र बात होगी, पूरी स्वामीनाथन कमेटी पर बात होगी। यदि स्वामीनाथन कमेटी के अधिकांश अनुशंसाओं को लागू करने वाले कोई सरकार है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आज 20 साल उनके शानदार पूरे हो रहे हैं। मित्रों, किसानों के नाम पर बात करने वाले लोग, मैं अभी पत्रकार महोदय लोगों से पूछ रहा था कि आप लोग जब बात करते हैं मुझे समझ में नहीं आता कि भूपेश बघेल जी कहते हैं माफिया सरकार कहती है कि हम 2500 रुपये में खरीदे अंतर की राशि। आप मित्रों, बहुत लोग इसमें से किसान हो, रहते रायपुर में है, गाँव सबके हैं, कैसे हम मानेंगे दो किस्त नहीं मिली किसानों को तो 2500 रुपये में खरीदा गया। पहले तो हम अपनी बात स्पष्ट कर लें कि 2500 रुपये में भूपेश बघेल जी ने धान नहीं खरीदा है, कांग्रेस ने नहीं खरीदा है। ये पूरी तरह से सफेद झूठ है कि 2500 रुपये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, माननीय विष्णुदेव साय जी ने यही कहा कि 2500 रुपये दीजिए। और 72 घंटे का उल्लेख इसलिए है, जो नया कानून आया है उसमें भी 72 घंटे में करना है भुगतान, चाहे किसी भी तरह के भुगतान हो, कॉन्ट्रैक्ट खेती के भुगतान हो, चाहे सामान्य खेती के भुगतान हो, चाहे मद्रास का किसान हो, चाहे अगरतला का किसान हो, यदि ट्रेडिंग हुई है तो उसकी व्यवस्था विकसित करेगी और व्यवस्था विकसित करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की उस कानून में। विवादों का निपटारा 30 साल में होगा, 30 दिन में होगा। अब ये बताइए, किसानों के हित ऐसी है, 2500 रुपये में अगला खरीफ शुरू हो रहा है सीजन, अभी तक पैसा नहीं मिला, ये विश्वसनीय सरकार है, अविश्वसनीय सरकार है कि रेत चोरी की सरकार है, डकैत सरकार है, कोकीन सरकार है कि दारू बेचने वाली सरकार है, कैसे आप कह सकते हैं कि ये किसानों की सरकार है। यूरिया की काला बाजारी, कार्तिक तू चला गया क्या? मंत्री बोल रहा है अमरजीत भगत कलेक्टर था। हाँ, ये ले जाना, लाइव ले जाना, देश को नेम कोटेड यूरिया दिया माननीय प्रधानमंत्री, उनके पूरे हो रहे। किसान आत्महत्या कर रहा है, 4 लाख रुपये दिए किसान के जान की कीमत 4 लाख रुपये और संवेदना के दो सब। वाह सरकार, वाह वाह वाह। एक घोषणा तो हो जाती, नकली बीज वालों के ऊपर, नकली खाद वालों के ऊपर, नकली दवाई के ऊपर हम एक कार्रवाई करेंगे। वारिस संवेदनशील और किसानों की सरकार जो कहती है कि हम किसानों की सरकार है, ये किसानों की सरकार। 15,000 हेक्टेयर विधानसभा में हम लोगों ने कहा कि जांजगीर जिले के किसान बर्बाद हो गए, एक कार्रवाई नहीं। नकली दवाई पर एक कार्रवाई नहीं, किसान मर गया एक कार्रवाई नहीं।